हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जब आप अपने माइंड के मैनेजर खुद बन जाते हैं। मैनेजर, ध्यान से सुनिएगा, अपने माइंड के मैनेजर। मैनेजर क्या करता है? किसी कंपनी में अगर कोई मैनेजर होता है तो मेन बॉस जो उस कंपनी के सीईओ होते हैं उनके पास जाने से पहले सारी चीज़ें जो है मैनेजर मैनेज करते हैं। जो सही चीज़ें होती हैं वो उस सीईओ तक जाती हैं, जो नहीं सही चीज़ें होती वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं, है ना। इस यही काम होता ना। अगर यही काम आप जब अपने माइंड के मैनेजर बन जाते हैं, जो भी आसपास की नेगेटिविटी है, गलत चीज़ें हैं, वो जब अपने आप अपने माइंड में जाने से आप रोक देते हैं, वो नेगेटिविटी जो आप अपने माइंड में जाने से रोक देते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, आप रोते नहीं हैं, बिलबिलाते नहीं हैं, किसी की सोच का, किसी के थॉट्स का, किसी के कहने का, किसी के सुनने का अगर आप पे कोई असर नहीं पड़ता, आप बिल्कुल अब ये लगा लो बहरे हो गए हैं, उस कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, इस तरीके से हो गए हैं, तब आप अपने माइंड के मैनेजर बन जाते हैं। और जब आप अपने माइंड के मैनेजर नहीं बनते हैं, तब आपने अपनी कमांड, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया होता है। किसी ने कुछ भी कहा, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, इस तरीके से आप अपनी बातों को डीप डाउन डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हैप्पी रहे, उस तरह अपने माइंड के मैनेजर बने। अपने माइंड के मैनेजर बनते ही, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेते ही आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ओके, इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये हमारे लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाती हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाती हैं। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।